चार दिन के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें 50,000 लोग आएंगे। उस रैली के बाद में लोगों से पूछेंगे कि हमें क्या फैसला करना है, किस तरीके से करना है, रोकना। और उसके बाद में ये रेगिस्तान का राज पूरे राजस्थान में महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम शेखावाटी में जाएंगे। शेखावाटी के प्रत्येक विधानसभा में जाके इन मंत्रियों के काले कारनामे बताएंगे, सरकार के काले कारनामे बताएंगे। और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर वन पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे बर्खास्त करने का काम किया। विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया, इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में जनता की अदालत में जा रहा हूँ। सर, जनता की अदालत में जाएंगे, आप बसपा से लड़ते हैं, आप देते 1100 है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, राजस्थान में जाके इस सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारे मंत्री परिषद का दाल को टेस्ट करा दीजिए, पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हैं सारे दुष्कर्मी। इनकी वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है, महिला अत्याचार में, दुष्कर्मी में, और ये प्रदेश एक नंबर पर आया। आपको लगता है कि आप खुद पार्टी बनाएंगे? देखिए, ऐसा मेरे लोगों से मिलकर बात करूंगा।